खूबसूरत दिखना किसको नहीं पसंद है, स्टाइलिश दिखना किसको नहीं पसंद है। तो हम आज मैं आपसे ऐसे हैक्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपके घर की ही जो चीज़ें होती है इसको यूज करके आप खूबसूरत भी बन सकते हैं, स्टाइलिश भी बन सकते हैं। तो मैं हूँ ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपसे आपके ऐसे हैक्स शेयर करने जा रही हूँ जो हम लोग जो भी चीज़ लास्ट होती है ख़त्म हो जाती है इसको फेंक देते हैं, इसको यूज़ नहीं करते। तो हम आज मैं ऐसे चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप वो बची हुई जो लास्ट वाली चीज़ें होती है इसको फेंकने की वजह आप उसका कुछ भी DIY बना के इसको यूज़। DIY प्राइमर बनाने के लिए आपको चाहिए एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, एक विटामिन ई की कैप्सूल, कोकोनट ऑयल, कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल की, अब चाहे तो मॉइस्चराइजर भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब, ये देखिए मैं एलोवेरा जेल, ज्यादा नहीं ले रही हूँ, बस थोड़ा सा ले रही हूँ, 1 चम्मच के करीब ग्लिसरीन, देन मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, 1 से 1.5 चम्मच कोकोनट ऑयल की, ऐड करूंगी 1 विटामिन ई की कैप्सूल, देन मैं ऐड करूंगी 2-3 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल की, मिक्स कर लूंगी अच्छे से। आई नो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं मोबाइल से ही बनाती हूँ तो इस तरह थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज इसको मिक्स कर लेना इस तरह से, कुछ ये बना है इसको मिक्स कर लेंगे। अब आप लगाएंगे ना बहुत ही नेचुरल है, ग्लो है, बिना केमिकल के, बिना कोई साइड इफेक्ट के है, तो अच्छा। ये प्राइमर कम, मॉइस्चराइजर कम, सीरम कम बन गया है, आपको तीनों चीज़ में यूज कर सकते हैं। प्राइमर लगाना चाहिए, प्राइमर लगाने से हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है, हम जो भी क्रीम अप्लाई करते हैं वो अच्छे से मिल जाता है, इसके लिए प्राइमर लगाना चाहिए। जेल बेस्ड प्राइमर है ये देखिए, बहुत ही सुंदर कलर है, इसकी स्मेल एसेंशियल ऑयल से काफी अच्छी हो गई, एसेंशियल ऑयल पिंपल्स वगैरह जो भी होते हैं उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, तो इसके लिए एसेंशियल ऑयल डालना चाहिए और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है टिका रखने में ये मदद करता है एसेंशियल ऑयल। तो आपके पास एक एसेंशियल ऑयल जरूर होना चाहिए, कोई सा भी होना चाहिए। देखिए मैं इसको ले रही हूँ इस तरह, ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ऐसा है इनमें मिल जाएगा। तो आप ऐसे DIY प्राइमर बना के यूज कर सकते हैं, ये मेकअप बेस का काम आपका करेगा। तो आप इसको लगा के ही एक मेकअप लगाएंगे तो आप देखिएगा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रहेगा। ये देखिए एकदम अच्छे से ब्लेंड हो गया और देखिए कितना शाइनी हो गया। तो आप इस तरह से इसको बना के, मैं बैक कैमरा तरह से इसका कलर है। हैक नंबर 2 है, हम बनाने जा रहे हैं लिक्विड हाईलाइटर। लिक्विड हाईलाइटर के लिए बनाने के लिए आपको चाहिए ऐसा कुछ कंटेनर, मैं इसमें ही डायरेक्ट बनाऊंगी, इजी रहता है, इधर उधर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें डायरेक्ट अच्छे से बन जाता है। देखिए मैं 2 चम्मच के करीब ले रही हूँ, इतना ले लिया मैंने, आपको जितना बनाना आप उतना ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है मात्रा में कि आप इतना ही लेना है इतना ही लेना है, ऐसा नहीं, आप जितना बना के स्टोर करना चाहते हैं उतना ले। मेक श्योर आप थोड़ा थोड़ा बनाइए क्योंकि ये DIY होती है तो इसमें कोई रेफ्रिजरेटर केमिकल वगैरह नहीं रहते कि ज़्यादा दिन तक चल सके, तो आप कम मात्रा में ही इसको बनाया करें और जो यूज कर सके 10-15 दिन तक ही बस बनाए, ज़्यादा देर तक न बनाए। अगर आप इसमें कुछ बूंद एसेंशियल ऑयल की डाल देते हैं तो वो और भी कुछ ज़्यादा देर तक टिका रह सकता है, तो मेक श्योर आप थोड़ा ही बनाया करें। डालूंगी 1 स्पून कोकोनट ऑयल, ये कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है, करूंगी अपना हाइलाइटर। आपके पास कोई भी सिमर कलर का हाइलाइटर हो या आई शेडो हो कुछ भी आप इसको इसमें डाल के यूज कर सकते हैं, तो फिलहाल मेरे पास ये है तो मैं इसको डाल दे रही हूँ, इतना सा हाइलाइटर डालूंगी मैं, थोड़ा थोड़ा डालिएगा क्योंकि हमें लिक्विड फॉर्म में चाहिए, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा डाल के एडजस्ट कर सकते हैं, ये ज़्यादा कम आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है जैसे कि आपको जिस इसका बेस जैसे चाहिए उस तरह से आप इसको डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, मेक श्योर कि अच्छा से इसका टेक्सचर आ जाए। अब इसमें मैं थोड़ा सा कलर के लिए, मैं इसमें थोड़ा सा पिंकिश कलर के लिए मैं अपना मैं थोड़ा सा ब्लश डाल रही हूँ अपना, ये मैंने इतना सा ब्लश डाल दिया, अब मैं इसको देन मिक्स कर ले रही हूँ।
तो देखिए कुछ इस तरह सा ये कलर बन के तैयार हो गया है। आप ये क्या कलर का आई शेडो डालेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। ये मैंने व्हाइट कलर का डाला है तो सॉफ्ट है, एकदम मॉइस्चराइजर हाईलाइटर है ये। आप एलोवेरा की जगह कोई क्रीम भी यूज कर सकते हैं, आई शेडो यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास खत्म होने वाली हो वो चीज आप यूज कर सकते हैं और ये नया ट्राई करते हैं। तो इस तरह से आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर में बैठ के। देखिए कितना खूबसूरत हाइलाइटर, कितना मतलब ग्लिटर, एकदम बहुत ही एकदम लिक्विड हाइलाइटर की तरह बन के तैयार हुआ ये। आप है आप इसको बना सकते हैं और ये देखिए आप चाहे तो इसको पूरे फेस में भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसको बना के, बहुत कुछ खुश हुई। तो कुछ ऐसा अपना बनाने में कुछ मजा ही कुछ अलग है। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। लिक्विड हाइलाइटर है, सबके अलग अलग यूजेस होते हैं, लिक्विड के कुछ अलग होते हैं और ड्राई के कुछ अलग होते हैं। आज मैं कुछ क्यों ना इसमें कुछ नया किया जाए। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं तीसरा हैक्स। आपको लेना होगा वैसनील, मैं इसमें ही बनाऊंगी, मुझे इधर उधर ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक चम्मच के करीब आपको जितना बनाना है उतना आप वैसनील ले सकते हैं। कोई नहीं है कि आपको इतना लेना है उतना लेना है, हैक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपको जैसा लगे कि हमको इतना टेक्सचर इसका, इतना सॉफ्ट रखना है, इतना लिक्विड रखना है, इतना ड्राई रखना है, उसके हिसाब से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसमें कोई वो का फॉर्मूला नहीं होता है कि आपको इतना ही डालना है इतना ही डालना है। आप उसके अपने हिसाब से कुछ अपना करिए, कुछ नया करिए। तो मैंने इतना इसमें लिया है, ये वैसनील है, ये इसमें ही बना दूंगी। और फिर आपको लेना हो कोई लिपस्टिक, अगर आप लिक्विड लिपस्टिक लेते हैं तो ज्यादा ही अच्छा है। मेरे पास ये रेड कलर की लिक्विड लिपस्टिक थी, मैं इसको ही ले रही हूँ। होगा एक विटामिन ई की कैप्सूल, कोकोनट ऑयल भी डालूंगी इसमें, दो तीन ड्रॉप बस, ज्यादा नहीं। मैं इसमें जानने जा रही हूँ लिक्विड लिपस्टिक, आप कोई से भी लिपस्टिक डाल सकते हैं। ये ऑलमोस्ट लिपस्टिक खत्म हो गई है तो मैं इसको निकाल के लगाऊंगी। तो डीआरआई बनाना है तो ऐसी कोई चीजें खत्म हो जाती है तो आप इसके इससे यूजेस कर सकते हैं। मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ। आप चाहे इसमें कोई से भी कलर की लिपस्टिक डाल सकते हैं, जो आपके मनपसंद की हो। आपको लगता है कि हमको लिपस्टिक नहीं लगानी है, लिप बाम लगाना है, तो इस तरह का आप लिप बाम बना के लगा सकते हैं। लगता है कि आपकी लिपस्टिक खराब सूख गई है, यूज नहीं है, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। सूखने के बाद भी खत्म हो जाती है अक्सर लिपस्टिक, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर लिपस्टिक टीनेजर होती, कॉलेज गोइंग गर्ल होती है तो उनको लिपस्टिक नहीं लगाना प्रिफर करते हैं, तो आप इस तरह से लिक्विड लिपस्टिक बना के अपने घर की बनी DRY बना सकते। कितना प्यारा सा कलर आया देख रहे हैं। एक सादा वैसनील से आप इतनी सुंदर कलर भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको पिंक बनाइए, रेड बनाइए, डार्क रेड बनाइए, जो भी कलर आपको चाहिए वो बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लिप्स लगा लिपस्टिक लगाई थी, लट देखिए कितना अच्छा से लिप ग्लॉस बन गया ये DRY। क्या आप उसी डिब्बी में बना लीजिए जिसमें वैसनील लाए हैं और इधर उधर डालने की जरूरत नहीं, आपको इधर से कंटेनर खोलने की भी जरूरत। वैसनील लाई और इस तरह से ऐसा कलरफुल लिपस्टिक। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।